सब्सक्राइब कीजिए के ओरई को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। समाजवादी पार्टी कार्यालय में उरई नगर कारखाना की बैठक में उपस्थित परम आदरणीय हम सबके प्रेरणा स्रोत हम सबको हमेशा मार्गदर्शन करने वाले माननीय रामनंदन प्रजापति जी और उपस्थित सफल संचालन कर रहे नगर महासचिव सबीउद्दीन जी पूर्व सभासद लक्ष्मीकांत श्रीवास जी उपस्थित अमृत द्विवेदी जी और यहां पर उपस्थित अजय गौतम जी विजय दौरे जी टिक्कू भाई छोटे भाई मनीष छोटे भाई यहां पर उपस्थित हैं। तम्बूर पंचायत जी उपस्थित है। हम अपनी नगर कार्यकारिणी को सबसे पहले तो उनको धन्यवाद आभार देना चाहूंगा जो हमारे आह्वान पर हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी करते हैं। किसी भी कार्यक्रम की सूचना मिल जाती है तो सबसे पहले हम नगर कार्यकारिणी आवाने का काम करती है। सबसे पहले मैं सबको बताना चाहता हूँ हमारा लक्ष्य 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। इसलिए हम सभी लोगों से गुजारिश करेंगे पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि सबसे पहले वे अपने अपने बूथों पर जाकर वोट बढ़ाने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। हमारे बीच में जो लोग बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं ग्राम पंचायतों से भी जुड़े हैं। 2022 से पहले जिला पंचायत के भी चुनाव होने हैं, प्रधानी के भी चुनाव होने हैं, इन्हीं कार्यकर्ताओं से जाकर के चुनाव लड़ना है। इसलिए हम लोगों को जिला पंचायत की भी तैयारी अभी से शुरू कर देना है। हम भी जिला पंचायत की गढ़ जिला पंचायत हो सकता है हम ही चुनाव लड़ेंगे और हम आप लोगों से चाहते हैं तो अभी से तैयारी शुरू कर दें और हमारे पास तो इतना मसाला है। समाजवादी पार्टी की सरकार जब 2012 में बनी थी उनके द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं उन्हीं विकास कार्यों को लेकर के हम लोग जनता के बीच जाएंगे और समाजवादी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। काम करना है हम पूरा समूह बना करके वही नगर में निकलेंगे और सभी को समाजवादी पार्टी में जोड़ने का काम करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नौजवान समाजवादी पार्टी में जोड़ने का काम कर रहा है। आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखते होंगे कितने लोग समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और किसान नौजवान जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी थी तो उन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे लेकिन रोजगार तो नहीं दे पाए लेकिन सभी को बेरोजगार कर दिया। और बात रही निजीकरण की सभी को चाय दे रहे हो सभी को का नाम ठेकेदारी में देना चाहते हैं। आपके बच्चे हमारे भाई कोई इलाहाबाद में तैयारी कर रहा है कि सरकारी नौकरी करेंगे लेकिन उन्होंने नया कानून लागू कर दिया कि पहले 5 साल आप संविदा में नौकरी करेंगे आपका 5 साल का कारदान देखेंगे तब उसके बाद आपको परमानेंट करेंगे। इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और 2022 में अपनी समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। जिसकी अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई किशोरी लाल यादव जी बड़े भाई साहब मधुसूदन परियार जी जो हमेशा हम जैसे युवाओं का पूरे जिले में मार्गदर्शक का काम करते हैं और हमेशा हौसला बढ़ाने का काम करते हैं और हमारे साथ में चल रहे नगर महासचिव सबीउद्दीन जी जो हमेशा मीडिया में हमेशा एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया में और समाजवादी पार्टी की नीतियों को हमेशा जन जन तक पहुंचाने का काम सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं और हमारे छोटे भाई
आमिर फरीदी जी और इस मीटिंग में उपस्थित जावेद भाई जिन्होंने मीटिंग का आयोजन रखा यहाँ पर, घासीराम श्रीवास जी, अनुरोध यादव जी, नावेद बख्श जी, सलीम कुरैशी जी। हम सभी समाजवादियों का एक ही लक्ष्य है कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार कैसे बने। इसी बातों को लेकर के हम सभी समाजवादियों को मंथन करने की जरूरत है। 2022 के पहले जिला पंचायत के चुनाव होना है। हम लोग शहर में रह रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं से हम लोग भी ग्राम पंचायतों से जुड़े हुए हैं। हम लोग ग्राम पंचायतों में जाकर के सबसे पहले तो वोट बढ़ाने का काम करेंगे। जब हम लोग वोट बढ़ाने का काम करेंगे निश्चित तौर पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो वोट समाजवादी पार्टी के लोगों को ही करेंगे। बात रही दूसरी, समाजवादी पार्टी की जब सरकार 2012 में बनी थी, समाजवादी पार्टी के द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं उन्हीं विकास कार्यों को लेकर के जनता के बीच में हम लोगों को जाना है और उन्हीं उपलब्धियों को सिर्फ बताना है। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर उसको डिस्कवरी चैनल पर भी दिखाया गया, जोलूपुर से लेकर के हमीरपुर सबसे बड़ी सड़क का निर्माण माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 24 महीने में कराया। हम गर्व के साथ कह सकते हैं जिस रोड से चलकर हम आए हैं उरई से कोटरा तक, ये भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है। चाहे उरई से औरैया हो, चाहे उरई से पहुंच हो, चाहे उरई से राठ हो, ये गर्व की बात है। पहली बार जब नेताजी मुख्यमंत्री बने बुंदेलखंड में जितने भी पुलों के निर्माण हुए हैं सारे के सारे पुल समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिए हैं, चाहे नेताजी ने बनवाए हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने बनवाए। आपका ही कोटरा का पुल अगर शायद समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो अभी तक बन करके तैयार हो चुका होता। पाल सरैनी का पुल भी सिर्फ 2 बचे हैं, 1 महीने का काम है, वो भी पूरा नहीं हो पा रहा क्योंकि सरकार सिर्फ बदले की भावना से काम कर रही है। जो काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किए हैं उन सारे कामों को रोक कर रखा है। मेडिकल की आप दुर्दशा देख सकते हैं, कितना बड़ा मेडिकल राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नेताजी ने बनाया लेकिन उसको आगे बढ़ाने का काम नहीं किया बल्कि उसकी प्रोग्रेस रोक दी। आज आप दुर्दशा देख सकते हैं, मेडिकल के अंदर जाकर के कोई भी सुविधा नहीं है, इलाज के अभाव में मौत हो रही है दर्दनाक। अगर उनको इलाज हो रही है मिल जाए तो हो सकता है मौतें जो संख्या बढ़ रही है वो नहीं बढ़ती, कोई व्यवस्था नहीं हो रही मेडिकल कॉलेज में। हम सभी लोगों से अपील भी करेंगे कि 2022 का लक्ष्य अभी से तैयारी शुरू कर देंगे। अगर हम लोग बूथ पर जाकर के वोटरों को बढ़ाने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी की नीतियों को जन जन तक ले जाने का काम करेंगे तो 22 में निश्चित तौर पर ही समाजवादी पार्टी की सरकार मिलेगी। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम लोगों को भी सम्मान मिलेगा, हम लोग भी अधिकारियों के बराबर बैठ करके अपनी बात पूरी करवाने का हौसला रखेंगे। इसी और हम बताना चाहते हैं कानून व्यवस्था को लेकर के, अभी अभी हाथरस की घटना, लड़की के साथ बलात्कार होता है, उसकी जीप काट दी जाती है, रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरा प्रशासन उन अपराधियों का बचाने का काम कर रही है, संरक्षण देने का काम कर रही है। अगर भगवान ना चाहता ये बलात्कारी अगर कोई यादव या मुसलमान होता तो इनको आतंकवादी कह करके उनका एनकाउंटर कर दिया जाता। इन सभी बातों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, सभी समाज के लोगों को सम्मान मिलेगा और इन सांप्रदायिक ताकतों से होशियार रहने की जरूरत है। जब हम विकास की बात करेंगे तो वो विनाश की बात करेंगे, अगर आप रोजगार की बात करेंगे तो हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, उनके बहकावे में नहीं आना है, उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। 2022 में हम सभी लोग मिलकर के उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय समाजवाद। बहुत अच्छे हमारे उरई नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के माननीय मुख्य अतिथि वेद प्रकाश यादव जी ने बहुत ही अच्छी
पार्टी की नीतियां भी बताई हैं और विपक्ष की पोल भी खोली है। ये समाजवाद झंडा, ये समाजवाद झंडा, समाजवाद झंडा इतिहास लिए बलिदानों का, ये समाजवाद झंडा इतिहास लिए बलिदानों का, इसमें दिखता अक्स लोहिया गांधी के अरमानों का। हो बांटे दर्द गरीबों मेहनत कश मजदूर किसानों का, साथी सब धर्मों वर्गों महिलाओं छात्र जवानों का। ये समाजवाद झंडा, ये समाजवाद झंडा।